नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे किरण प्रकाशन के, किरण पब्लिकेशन के बीपीएससी बिहार टीचर के, बिहार शिक्षा के एक बहुत ही बेहतरीन बुक का दोस्तों हम रिव्यू करेंगे। ये बुक जो है दोस्तों संस्कृत विषय का है, माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के विषय ज्ञान संस्कृत क्लास 9 से 10 NCERT और SCERT के पैटर्न पर आधारित चैप्टर वाइज MCQ भी आपको देखने को मिल जाएगा इस बुक के अंदर। और ये एक प्रैक्टिस वर्क बुक है, ठीक है। इस बुक में आपको संस्कृत सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन और सामान्य अध्ययन के 40 क्वेश्चन का सेट आपको देखने को मिलेगा। टोटल 120 नंबर का एग्जाम होने वाला है, तो वो कंप्लीट सेट आप इस प्रैक्टिस से वर्कबुक से बना सकते हैं किरण पब्लिकेशन के बुक से। तो ये बुक दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड है, आपके एग्जाम के सिलेबस को कवर किया गया है इस बुक के अंदर। तो इस बुक को आप ले लीजिए, किरण पब्लिकेशन के बुक को। 195 रुपये MRP है दोस्तों, और बुक का कोड है 4339 इस बुक का कोड है, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों नंबर ऑफ पेज के बारे में, तो 216 पेज आपको देखने को मिलने वाले इस बुक के अंदर। चलिए दोस्तों, अगर हम देखें यहाँ पे, ये पहले पेज में दोस्तों देखिएगा कि यहाँ पे शुरुआत में बेसिक जानकारी आपको दिया गया है कि संस्कृत पेपर 80 क्वेश्चन का होगा, सामान्य अध्ययन 40 क्वेश्चन, उसके बाद 15 सेट आपको देखने को मिलेंगे, चैप्टर वाइज MCQ आपको देखने को मिलेंगे बिहार बोर्ड और NCERT के क्लास 9 और 10 के, ठीक है। और NCERT और SCERT के एग्जाम पैटर्न को कवर किया गया है। संस्कृत 9-10 क्लास के लिए ये बुक है, ठीक है। ये न्यू एडिशन है दोस्तों, 195 रुपये MRP है। और इस बुक में सबसे पहले बताया गया विषय सूची में कि क्लास 9 से 10 तक के संस्कृत के टीचर आप कैसे बने, उसके बाद MCQ देखने को मिलेगा NCERT और SCERT के चैप्टर वाइज MCQ, उसके बाद आपको 15 सेट आपको देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले भाग एक में संस्कृत, भाग दो में आपको सामान्य अध्ययन का सेट आपको देखने को मिलेगा। 15 सेट कुल मिला के आपको देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। डेली करंट अफेयर के लिए इनके वेबसाइट है currenthunt.com पे लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्लास 9 से 10 के शिक्षक बनने के लिए क्या आपको जानना चाहिए वो बताया गया है। सारा एग्जाम पैटर्न बताया गया है, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, कैसे आपको तैयारी करना है। सिलेबस को कंपेयर भी किया गया कि NCERT और SCERT के सिलेबस में क्या अंतर आपको देखने को मिलेगा, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सामान्य अध्ययन के 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बिहार राज्य विद्यालय शिक्षा शिक्षक नियमावली 29 मई 2023 द्वारा जारी किया गया, बहुत ही शानदार बुक है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे चैप्टर वाइज MCQ आपको देखने को मिलेगा NCERT क्लास 9 संस्कृत, ठीक है। और यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज MCQ साथ में आंसर की सारा कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मिलने वाला है यहाँ पे। तो इस बुक को दोस्तों आप ले लीजिए, बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बुक बहुत ही ज़्यादा शानदार है और बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। चलिए हम आगे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। सारा कुछ दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से NCERT के कवर को क्वेश्चन को कवर किया गया क्लास 9 और 10 को। और उसके बाद लास्ट में आपको डिटेल सॉल्यूशन भी देखने को मिलने वाला है। चलिए हम दोस्तों देखते हैं पहले सेट को देखते हैं, ठीक है। पहले सेट को दोस्तों देखते हैं कि पहला सेट आपको किस तरह से दिया गया है। ये सभी NCERT के क्लास वाइज चैप्टर वाइज MCQ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, NCERT और SCERT जो बिहार बोर्ड में चलता है। अब दोस्तों हम देखते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 देखते हैं। तो भाग एक में आपको संस्कृत जिसमें 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के देखने को मिलेंगे, और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों NCERT और SCERT के सिलेबस पर आधारित है, जो कि बिहार टीचर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं संस्कृत विषय के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ग्रामर देखने को मिलेगा, उसके बाद जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे वही आपको देखने को मिलेगा बहुत ही शानदार तरीके से। तो संस्कृत विषय का टीचर बनना तो इस बुक को ले सकते हैं दोस्तों। 80 क्वेश्चन आपको भाग एक में देखने को मिलेंगे, भाग दो में आपको सामान्य अध्ययन देखने को मिलेंगे 40 क्वेश्चन 40 अंक। इसमें आपको GK GS GK साइंस मैथ्स रीजनिंग सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि 120 क्वेश्चन है सब मिला जुला के जनरल नॉलेज के पेपर में। उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ आंसर की, 120 क्वेश्चन का आंसर की आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको डिटेल सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। तो सॉल्यूशन दोस्तों किरण पब्लिकेशन का बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ईजी सॉल्यूशन होता है और आप आसानी से इनके सॉल्यूशन को समझ सकते हैं। 80 के 80 क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है दोस्तों, और उसके बाद आपको आंसर की देखने को मिलेगा। तो आंसर की सभी क्वेश्चन का दिया हुआ है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, 120 क्वेश्चन का
दिया हुआ है। जीके में अगर आप आंसर देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है। एक क्वेश्चन से दो तीन क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। मैथ्स के सॉल्यूशन को देखेंगे तो हर एक स्टेप को क्लियर किया गया, इजी सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। आसानी से इनके मैथ और रीजनिंग के भी सॉल्यूशन को आप समझ सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों आगे भी सेट आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी अच्छा बुक है दोस्तों, इस बुक को आप ले सकते हैं। और किरण पब्लिकेशन का बुक जो होता है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शानदार होता है, ठीक है। तो इनके बुक को ले सकते हैं। एक ही बुक के अंदर आपको प्रैक्टिस सेट के साथ साथ एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ में आपको इस एग्जाम के बारे में जानकारी भी देखने को मिल जाएगा। इस बुक को ले लीजिए दोस्तों, बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और भी कुछ बुक है जिनको मैं सजेस्ट करूंगा, तो ये खान सर के कुछ बुक मैंने मंगाए हैं, इन्हें भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये खान सर के हैं, एनसीईआरटी पे है, क्लासिक्स से लेकर 12 तक के ये बुक है, सार संग्रह है। पहला बुक पर्यावरण है, उसके बाद देखिएगा भूगोल है, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्यव्यवस्था एवं संविधान, इतिहास है, और अर्थव्यवस्था का ये बुक है। तो ये खान सर के बुक होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे आपके एग्जाम की तैयारी के लिए और बिहार शिक्षक के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। और इस बुक को अगर आपको परचेज करना होगा तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपने वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए थैंक यू। आशा करता हूं कि आज के दिन आप लोगों का काफी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।